हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। और उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें बताएंगे हम कि संकरण किसी भी यौगिक में, ये देखिए जितने भी यौगिक हैं ना, चाहे खुली श्रृंखला वाले यौगिक चाहे बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं, उनमें संकरण कौन सा होगा या किस प्रकार का संकरण इसमें है, या फिर इस कार्बन में, इस कार्बन में, इस कार्बन में, या इस पूरे यौगिक में कितने प्रकार का संकरण है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें बताएंगे। देखिए, कुछ यौगिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी दोस्तों वही हैं जो GIC TGT PGT प्रवक्ता परीक्षा के पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको चल रहा हूँ बताने। दोस्तों, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, संकरण जानेंगे। इसके पहले की जो हमारी वीडियो आई हुई है, उसमें हम आपको बताए हैं कि किसी भी यौगिक को देखते ही आप संकरण कैसे निकाल पाएंगे, कैसे बता पाएंगे। जैसे कि प्लस माइनस वाले कुछ यौगिक होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, ठीक है, कुछ कैटायनिक, कुछ एनायनिक कंपाउंड होते हैं, आयन होते हैं, उनमें हम संकरण कैसे निकालते हैं, उसको मैं पिछली वीडियो में बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप जो अगर GIC TGT PGT की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको पिछली वीडियो भी देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला देखिए, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये यौगिक कौन सा है, इसका नाम क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसमें पूछा गया, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि इसमें किस प्रकार का संकरण है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं अगर इसको बताऊं, ठीक है, इसको अगर देखूं, तो इसमें कौन सा संकरण है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, फिर इसमें देखना पड़ेगा केंद्रीय परमाणु कौन है, फिर इसमें देखना पड़ेगा केंद्रीय परमाणु कौन है, फिर इसमें भी देखना पड़ेगा केंद्रीय परमाणु कौन है। तो दोस्तों, क्यों केंद्रीय परमाणु देखना पड़ेगा, क्योंकि संकरण हमेशा बीच वाले परमाणु में होता है, मतलब कि केंद्रीय परमाणु में होता है, ठीक। तो आपको आ रहा होगा तो और अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम तो आ गए हैं आपके सामने, बताएंगे ही। देखिए, करते क्या, सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखें, कार्बन अकेला है तो बीच में होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा कितना बंध बनाएगा, तो एक बंध। देखिए, कुछ चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा, सिग्मा बंध में संकरण होता है, पाई बंध में संकरण नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर एक बंध होता है वो सिग्मा होता है, ठीक है, जहाँ पर दो बंध होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई बंध में संकरण नहीं होगा, सिग्मा बंध में संकरण होगा। जहाँ पर तीन बंध होता है उसमें एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, पाई बंध में संकरण नहीं होता है, सिग्मा बंध में संकरण होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इनको देखें और इस तरह से एक वृत्त बनाएं, ठीक है, ये बीच में आ गया, मतलब संकरण कहाँ होगा, इसमें होगा, ठीक है, कार्बन में होगा। कार्बन के अगल बगल देखना पड़ेगा कितने बंध हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, ट्रिक है, ट्रिक समझिए, देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा संकरण है। 1 2 और ये देखिए इसके इधर 3, मतलब इसके अगल बगल एक बंध, दो बंध, तीन और चार बंध हैं। चार बंध में कितने सिग्मा बंध हैं, सिग्मा मतलब सी से सिग्मा, सी से सिंगल, इन सभी में ये सिंगल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा, ये सिंगल है, सिग्मा, यहाँ पे दो बंध है, तो जहाँ दो बंध होगा उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है। कुल कितने सिग्मा हो गए इसके अगल बगल, 1 2 3 सिग्मा, यहाँ एक पाई है, छोड़ दीजिए, एक सिग्मा बचेगा, 1 2 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हुआ, तो 3 सिग्मा बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने कक्षक की जरूरत पड़ेगी, कल बताया था, ये एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक में रखाएंगे, 3, 3 कक्षक। और जहाँ पे 3 कक्षक की जरूरत होगी उसमें एक एस का होगा, बाकी जो बचेगा वो पी का होगा, अगर पी का कम पड़ जाएगा तो फिर डी का आएगा। 3 कक्षक चाहिए तो एक आ जाएगा एस का, 2 आ जाएगा पी का, कौन सा संकरण हो जाएगा भाई, sp2 हो गया। इसका मतलब इस पूरे यौगिक में, इस कार्बन में कौन सा संकरण है, तो sp2 संकरण है। इसमें आते हैं, इनके बीच में देखिए, जब इनमें देखेंगे संकरण, तो कार्बन और हाइड्रोजन को चाहे इस तरह लिखिए, चाहे तो ये हाइड्रोजन को इस तरह आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा एक बंध बनाता है, और वो कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है, ठीक है। देखिए, अब इनके अगल बगल देखेंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन के अगल बगल कितने सिग्मा बंध हैं, यहाँ पे दो बंध है तो एक सिग्मा मिलेगा, एक पाई, पाई को छोड़िए, सिग्मा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, इसके अगल बगल कुल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने कक्षक की जरूरत पड़ेगी, 3, तो कौन सा संकरण हो जाएगा, इसमें भी sp2 संकरण,
ठीक है, इसमें देखिए, इसके अगल बगल देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को चाहे यहाँ लिखे चाहे इसी तरह नीचे खोल के लिख दीजिए, तब भी इसका मतलब है कि ये सी एच के बीच में कितना सिग्मा बंद है, एक, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, दो और इधर तीन, चार, चार बंद है, चार में से एक पाई है और तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब छः इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन मतलब तीन कक्षक मतलब कौन सा संकरण हो जाएगा यहाँ पे भी, sp2, ठीक है। यहाँ देखिए, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो बंद है, ये दोनों हाइड्रोजन कितना कितना बंद बनाए होंगे, एक एक, तो कितने सिग्मा बनाएंगे, दो सिग्मा, इसका मतलब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब दो सिग्मा बंद इसके अगल बगल इनके कारण हो गया, दो सिग्मा बंद इसमें हो गया, एक सिग्मा बंद इसमें हो गया और एक पाई, कुल मिला के दो सिग्मा बंद यहाँ, एक सिग्मा बंद यहाँ पे, तीन सिग्मा बंद हो गया, तो तीन सिग्मा मतलब छः इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन मतलब तीन कक्षक मतलब यहाँ भी कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2। देखिए संजोग ऐसा है कि इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2 संकरण हो रहा, मतलब कि अगर इसमें, अगर आपको ऑप्शन में मिल गया कि sp2 संकरण एक बार लिखा मिल गया, sp2 संकरण पूरे यौगिक में है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात होती है क्या संकरण में, कि लोन पेयर में संकरण होता है या लोन पेयर संकरण में भाग लेता है, ठीक है। सिग्मा बंद में संकरण होता है, पाई बंद में संकरण नहीं होता है, जहाँ एक बंद होगा वो सिग्मा होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, जहाँ तीन बंद होगा वहाँ पे एक सिग्मा दो पाई होगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए, हम हमेशा इसमें अगर हमको संकरण पता करना रहेगा तो क्या करेंगे, इनके अगल बगल देखेंगे, ये एच है, इसका मतलब सी एच के बीच में कितना सिग्मा है, एक, यहाँ पे कितना बंद है, तीन है, इस कार्बन के अगल बगल कुल कितने सिग्मा बंद हो गए, एक इधर एक इधर, और जो बाकी वो पाई, तो पाई बंद से मतलब नहीं, क्योंकि पाई बंद में संकरण नहीं होता है, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, दो सिग्मा हुए, दो सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए यहाँ पे कितने कक्षक चाहिए, दो, दो में कौन कौन हो जाएगा, एक या से पी, चलिए हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के इधर तीन बंद, इधर कितने बंद हैं, एक बंद होगा, कुछ नहीं दिखा है ना, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, जो दो एच है उसको हटा के यहाँ पे सिग्मा बंद जोड़ सकते हैं, और एक एच ऊपर एक एच नीचे यहाँ आप कर सकते हैं, एक एक दो एच था, वही दोनों एच यहाँ पे लिखा गया था, और यहाँ पे जो बिंदी है ना इसको हटाइए, यहाँ पे एक बंद जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके अगल बगल तीन बंद यहाँ, एक बंद यहाँ, सिग्मा कितने हुए, एक यहाँ, इसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा कितने सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने कक्षक की जरूरत पड़ेगी, दो, तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा, दो कक्षक वाला मतलब sp हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके अगल बगल देखिए, एक दो तीन चार, चारों सिग्मा है मतलब सिंगल है, तो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार सिग्मा, चार सिग्मा मतलब आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन मतलब चार कक्षक, चार कक्षक मतलब हो जाएगा sp3। पूरे यौगिक में ये जो कार्बन है ना वो sp संकरित है, ये जो कार्बन है वो sp संकरित है, ये जो कार्बन है वो sp3 संकरित है, इनका देखिए, इनके अगल बगल देखिए, यहाँ पे जो है ना पॉइंट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, ए सिग्मा, दो सिग्मा और दो यहाँ पे सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा चार सिग्मा बंद मतलब आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन मतलब चार कक्षक, चार कक्षक मतलब sp3 संकरण, ठीक है। यहाँ आप देखिए, इधर एक, ये हाइड्रोजन भी एक बनाया है, एक एक दो, और इसमें से एक सिग्मा होगा वो लिया जाएगा, एक एक दो एक तीन, तीन सिग्मा मतलब छः इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन को तीन कक्षक चाहिए मतलब sp2 संकरण, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, दो सिग्मा हो गया, एक सिग्मा इसमें, मतलब कि यहाँ पे तीन हुआ, तीन मतलब हो जाएगा आपका sp2। बात समझ में आ गई, इस तरह से संकरण। अगर आपसे पूछा गया कि बताओ भाई इसमें कौन सा संकरण है, संकरण का क्रम कौन सा है, तो समझ जाइए अब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, sp2 हो जाएगा कामा sp2 कामा sp3 कामा sp3 कामा sp कामा sp, इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं फटाफट, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गई है। अब देखिए इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा भाई, इस कार्बन में तो देखिए sp कर सकते हैं, ठीक है, क्यों आप जान गए हैं, इसके अगल बगल इसमें से एक सिग्मा दो सिग्मा, तो ये sp हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दो तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब हो गया कितना हो जाएगा भाई, sp2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। इसके अगल बगल देखिए कितना है, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, मतलब sp, इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, sp2, समझ गए आप, कौन सा संकरण होगा, इस तरह से होगा, कॉमा कॉमा करके सब लिख देंगे, हो जाएगा आंसर,
ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि इन सभी यौगिकों में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा, किसी भी यौगिक का नाम यहाँ पे लिख देगा या इस तरह से जैसे ये पहले था वैसे अगर लिख दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए। तो चलिए अभी मैं इसी के बाद जस्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों में कितने सिग्मा कितने पाई बंध हैं, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं, इनको भी देखिए फटाफट। यहाँ देखिए कार्बन के अगल बगल इस कार्बन में कितना कौन सा संकरण होगा, देखिए तो अगल बगल गिनना पड़ेगा सिग्मा बंध कितने हैं, तो दो यहाँ पे एक यहाँ पे तीन, तो तीन का मतलब हो गया sp2, ठीक है, मालूम हो गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन मतलब हो गया सीधे sp2, ठीक है। यहाँ देखिए एक दो तीन, इसमें भी हो गया कौन सा संकरण भाई, sp2। यहाँ पे देखिए यहाँ भी हो गया क्या, sp2। बात समझ में आ गई, क्यों सबको समझ में आया होगा। ये देखिए ये क्या है, ये बेंजीन है, ध्यान देना है आपको। इसमें कई बार आपसे संकरण भी पूछा गया और कई बार सिग्मा पाई बंध भी पूछा गया, क्यों, क्योंकि बेंजीन को कभी कभी लोग इस तरह बनाते हैं और नहीं बनाते अगर इस तरह, तो इस तरह एक दो तीन चार पाँच छः छठभुज बना करके, बंध संरचना छठभुज की बना के इसमें बीच में गोला बना देते हैं, ठीक है, तो उसको बेंजीन कहते हैं। वो ऐसा होता भी है, क्यों होता है, क्योंकि एक दो तीन पाई बंध हैं इस बेंजीन के अंदर, वो पाई बंध लगातार घूमते रहते हैं तो इससे उनकी संरचना गोलाकार जैसी बन जाती है, इसलिए वो गोला बना देते हैं। लेकिन इस तरह एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। जब आपको संकरण पता करना रहेगा ना, तो आपको पता करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर कोने पर कार्बन होता है। मैं एक जगह बना रहा हूँ, आप सब समझेंगे, ठीक है, एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः कोने पे कार्बन होता है, ठीक है, और हर कार्बन के अगल बगल चार संयोजकता होती है, ठीक है, और हर कोने वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन इस तरह जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये कौन सा बंध है, सिग्मा बंध है। अब देखिए ये हो गया, हर कोने पे कौन है, कार्बन है, कार्बन छुपा रहता है इसलिए मैं यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ, ये पूरा है क्या, बेंजीन है, ठीक ना, बेंजीन याद रखिएगा। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा कौन सा संकरण है भाई, एक दो तीन चार बंध है, चार में से तीन सिग्मा बंध है इसलिए हो जाएगा sp2। इसमें पूछा जाएगा यहाँ पे जो कार्बन है एक दो तीन चार, चार बंध में से तीन सिग्मा है तो sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। देखिए आपको साफ सुथरा नहीं दिख रहा है लेकिन आप समझ रहे हैं सारी बातें, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा पाई बंध देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार बंध हैं इस कार्बन के अगल बगल, लेकिन तीन होगा, तीन माना जाएगा सिग्मा, और तीन सिग्मा में संकरण हो जाएगा कौन सा, sp2। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार बंध है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा भाई, sp3 संकरण। बात समझ में आई, अगर पूछा गया इसमें कौन सा संकरण है तो बोलेंगे sp3, sp2 आंसर, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें कौन सा संकरण है, बहुत बार पूछा गया है, तो देखिए इसके अगल बगल एक और दो, ठीक है, एक दो तीन चार, चार में से कितने सिग्मा बंध है, दो, तो sp हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लीजिए, फिर से देख लिया, तो देखिए इसमें कौन सा संकरण होगा भाई, इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा, sp, ठीक है। चलिए sp हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अगल बगल एक दो तीन चार में से दो सिग्मा बंध है, ठीक है, इसके अगल बगल यहाँ पे कौन सा संकरण होगा भाई, sp, ठीक है। पूरे यौगिक में आप एक बार में बोल सकते हैं कि कौन सा संकरण है पूरे यौगिक में, sp, या फिर अगर अलग अलग रहता तो sp के बाद कामा करके हम उसको भी लिख देते तो हो जाता, ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको नहीं पढ़े हैं, अभी छोड़े हैं, देखिए सात के बाद आठवां पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, CH4 में कौन सा संकरण है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक, क्योंकि इसको आप छः से ही पढ़ने लगते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन के अगल बगल कितने बंध है भाई, कितने हाइड्रोजन है, चार, चारों हाइड्रोजन कौन सा बंध बनाए हैं, सिग्मा, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार, एक दो तीन चार बंध हो गए इस कार्बन के अगल बगल, तो चार बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आठ, आठ इलेक्ट्रॉन को कितने कक्षक में रखेंगे, चार, तो चार कक्षक हो जाएगा, मतलब sp3 संकरण, ठीक है। नौवां देख लेते हैं, pcl5, पी एक दो तीन चार पाँच, cl है, ठीक है। अब इसमें देखिए पी बीच में है, एक दो तीन चार पाँच सिग्मा है, पाँच सिग्मा का मतलब हो गया पाँच दूना दस इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन को कितने कक्षक में रखा जाएगा, पाँच कक्षक, तो एक यस का आएगा,
तीन पी का आएगा, एस पी थ्री, तीन और एक चार कक्षक हो गया डी, एक डी का कक्षक आएगा। मतलब इसमें जो संकरण है पी में वो कौन सा संकरण होगा, एस पी थ्री डी संकरण, ठीक है। अब देखिए, अब हम आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा, और आप क्या करेंगे कि आपको किसी भी यौगिक को दे दिया जाए तो आप जो उसको सॉल्व कर देंगे और बता देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी, सारा मैटर जो क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिर इसी तरह की वीडियो के साथ आगे भी मिलते हैं हम, ठीक ना। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी यौगिक में किस तरह का सिग्मा बंद होता है, और कितना सिग्मा बंद होता है, कितना पाई बंद होता है, कितना इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसी के आगे वाली वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर आपको इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ताज़ा न्यूज़ बता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है उसको 15 अगस्त के पहले करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्रशासन अपनी तरह से लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को देखा जाए और इसकी परीक्षा को कराया जाए, ठीक है। तो जैसा भी न्यूज़ आता रहेगा मैं आपको बताऊँगा, जो भी कन्फर्मेशन आएगी, ठीक है। तो आप टारगेट बना लीजिए कि जो मेन मेन चीज़ें हैं, उनको दोस्तों हम लोग समय के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके लिए प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए फिर इस तरह की वीडियो के साथ हम लोग आगे भी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।